ये बताइए, 9 दिन का व्रत रखा है आपने? हाँ, 9 दिन का व्रत रखा है हमने फूलन देवी के लिए। हाँ, फूलन देवी के लिए। माँ दुर्गा जी के समांतर रख दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुलना वाली बात नहीं है। और माँ दुर्गा जी और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और फूलन जी एक खाली संघर्ष की एक प्रतीक है, संघर्षों से कठिनाइयों से लड़के अपने एक सांसद बनने का एक प्रतीक है। और सभी को मतलब उनसे सीखना चाहिए किस तरह संघर्ष करके अपने मुकाम पे मतलब कामयाब रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो और धर्मांध लोग इसका विरोध नहीं कर रहे? देखिए, विरोध मेरे ख्याल से लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सूचना हमारे पास नहीं आई। लेकिन अपना अपना मानना है, और मेरा एक निजी मामला है। और कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? ये प्रथम बार है। प्रथम बार। और इसके बाद? इसके बाद देखिए, मैं पहले भी मतलब जैसे मूर्ति है तो पूजा अर्चना हम लोग करते थे, मतलब पूजा पाठ नॉर्मली जैसे है वैसे ही, मतलब नारियल चुनरी कपूर अगरबत्ती। कहाँ से आइडिया आया? आइडिया ऐसी हमने सोचा कि मतलब बहुत दिन नवरात्र आया और फूलन जी के बारे में हम सोच रहे थे कि कुछ नया करना चाहिए उनके सम्मान के लिए। तो हम जयंती भी उनकी मनाते हैं, केक भी काटते हैं जयंती के अवसर पे, हम केक को काटते हैं, सादर दिवस भी मनाते हैं, तो दीप प्रज्वलित करके उनकी सादर दिवस मनाते हैं। तो अपने सोचा कि भाई शक्ति शक्ति होती है, हमने उनमें अपनी एक अपनी माँ, इनको हम माँ मानते हैं। अच्छा। हाँ भाई, फूलन देवी जी हमारी माँ है, कि हम ही नहीं हमारे मछुआ समाज के आप किसी से पूछोगे तो फूलन जी के बारे में वो अपना आइडियल मानेंगे, अपनी माँ ही मानेंगे, फूलन देवी माँ करके ही बुलाएंगे। तो हम अपनी माँ को पूज रहे हैं। क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं? देखिए, अगर राजनीतिक स्टंट होता तो हम पहले दिन से ही तमाम मीडिया वाले को बुला उला के खर्च बर्च दे के मतलब कर देते हैं। तो हम शायद सोशल मीडिया पे भी नहीं डाले थे, एक दो दिन के बाद, एक आध दिन के बाद डाले, मतलब ऐसे ही कि सोशल मीडिया जमाना है, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, तो डाल दिए। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप पत्रकार भाई को मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आके मेरे घर पर और मेरे बाइट ले रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या इसमें कन्याओं को भोज कराएंगे? देखिए, कन्याओं का भोज भी कराएंगे, क्योंकि कन्याओं को भोज वैसे हम को चाहे कोई भी त्यौहार ऐसे होता है तो हम एक भंडारा भी करते रहते हैं हमेशा समय समय पर मतलब। तो लेकिन इसमें 9 कन्याओं को खिलाना है, तो 9 कन्याओं को भी हम खिला के उनको नोटबुक किताब कलम पेंसिल यह सब उनको भेंट करेंगे। अच्छा। तो इस तरीके से तो आपने फूलन देवी को माँ दुर्गा